करेली के अबू बकर मस्जिद के पेशिमाम फ़क्रुल हसन काश्मी ने एक FIR लॉन्च की है। उस FIR में काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए हैं और ऐसा कहा जाता है कि एक भू माफिया जिसका नाम राशिद फरीदी है, इसके खिलाफ जान से मारने की धमकी, साजिश, कई तरह के मुकदमे दर्ज हुए हैं कई धाराओं में। इसी को जानने के लिए हमारे संवाददाता अरशद नवाज पहुँचे मौलाना के पास, उनसे बात की। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये मामला पिछले साल भी हुआ था, जिसमें कहा जाता है कि अबू बकर मस्जिद के पीछे एक खुला प्लॉट है, उसी प्लॉट पे कब्जे को लेकर कुछ मामला चल रहा था, जिसमें कि उक्त मौलाना ने उनके खिलाफ FIR दर्ज किया था और शायद उसी FIR के बदले इनको प्रताड़ित करने की बात की जा रही है कि मौलाना को वो प्रताड़ित कर रहे थे, इसलिए एक और केस दर्ज कराया है उन्होंने। और पिछली बार का जहां तक वीडियो का मामला हमने देखा था, किस प्रकार से राशिद फरीदी मस्जिद के अंदर गए थे और ऐसा मौलाना की तरफ से आरोप था कि उन्होंने असलहा लेकर जान से मारने की धमकी दी थी, कनपट्टी पर पिस्तौल लगा दिया था, और ये मामला कहीं ना कहीं उस वक्त दब गया था। लेकिन एक बार फिर आज ये मामला उठ गया है और इस बीच मौलाना क्या कह रहे हैं वो हम आपको सुनाएंगे। और मौलाना ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी रिलीज़ की है, हमको दी है, जिसको हम सुनाने की कोशिश करेंगे और उसमें साफ़ हो जाएगा किस प्रकार से राशिद फरीदी मौलाना के खिलाफ साजिशें रच रहा था और किस प्रकार से दहशत व्याप्त है मौलाना में। आइए पहले सुनते हैं मौलाना ने क्या कहा, उसके बाद हम आपको ऑडियो दिखाएँगे। ये पुराना एक साल मामला है, पिछले साल सितंबर का ही है। वो मस्जिद के पीछे की बिल्डिंग वो बेचना चाह रहे थे किसी से, तो चूँकि मैं मस्जिद में इमामत के साथ साथ मैनेजमेंट को भी देखता हूँ, मैंने मना किया, क्या बात है, कह रहे कि आपके मुतवल्ली, तो उसके तहत मैंने उनको रोका, मना किया, तो वो मना करने की वजह से वो मुझे धमकी देने लगे बार बार मारने की जान से। वो पुरानी बात हो गई, उसकी रिकॉर्डिंग भी सबके पास है, तो उसके तहत FIR हुआ, वो जेल गए। जेल से आने के बाद उन्होंने पूरी तरह से कोशिश पहले ये की, जो अटाला कांड हुआ उसमें मुझको फंसाने के उसे, और उसके उन्होंने जगह जगह एप्लीकेशन भी दिया मेरे ख़िलाफ़, और उस एप्लीकेशन के तहत मेरे पास जांच भी आई, LI वाले जांच के लिए आए थे, इन सारी चीज़ों को पूछा मुझसे, बहरहाल उन्हें कामयाबी इसमें नहीं मिली। तो अभी एक IDO जो सबूत के तौर पर मेरे पास मौजूद है, उस IDO में इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ मुझको फंसाने के लिए गलत मुकदमात में, नाजायज़ मुकदमात में फंसाने के लिए सारी साजिश इन्होंने रची है, जिसमें शुरू और आखिर में खुलासे के तौर पर यह है कि पहले इन्होंने कहा है कि जब ये हंडिया जाएंगे तो किसी औरत से इन्होंने जो है सेट किया है, उसको बाकायदा ये कहा है कि मैं हर महीने उसको पैसा भेजता हूँ, जिस दिन ये हंडिया पहुँचे तो उसने कहा है कि बस बता देना, मैं इल्ज़ाम लगा दूँगी, यानी गंदे काम का, राशिद फरीदी ने कहा है पास्को का। और फिर जब ये इनकी ज़मानत होने लगेगी तो जज के सामने वो औरत आ जाएगी और कहेगी कि अगर ये पेट्रोल, अगर ये इसकी ज़मानत होगी तो मैं अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा लूँगी, ये उन्होंने कहा है। और अटाले पे जो दंगा हुआ उसमें जो इन्होंने मुझको फंसाने की कोशिश की, उसके बारे में इन्होंने ये कहा है कि खुदा की कसम मैंने फ़र्ज़ी एप्लीकेशन बनाकर दाखिल किया है मौलाना को फंसाने के लिए बंदे खुदा के नाम से, इन्होंने ये सारी चीज़, इन सारी चीज़ों को कहा। और जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं इनको फंसाने की कोशिश करूँगा, जेल का नैनी जेल का 18 नंबर गेट क्रॉस करवाऊँगा। और भी उस IDO में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझको फंसाने के लिए साजिश रची गई है, मैंने उसको IDO को वायरल भी कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को ले करके मैंने कल इसके तहत FIR भी करवाया है, FIR कॉपी मुझको मिल गई है करेली थाने से। और एक ज़रूरी बात यह है कि कल रात में मेरे आने के बाद 12 बजे मैं यहाँ पर आया हूँ, 12:15 बजे वो वीडियो भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि मस्जिद में CCTV कैमरा लगा हुआ है। 10 बाइक पे कुछ लड़के सवार होकर दो दो तीन दिन गए हैं, वो किस मकसद से यहाँ आए थे या मुझे नहीं देखा, मैं नहीं पाया, वो किसी क्या करने के लिए आए थे, उस वीडियो को मैं सामने रख करके उनकी भी जाँच करवाऊँगा। और एक ज़रूरी बात यह है, आप लोग पूछ रहे हैं और बहुत लोगों ने पूछा तो छूट गई ये बात, राशिद फरीदी के साथ बहुत लोग ऐसे हैं जो उनके दोस्त हैं और वो लोग प्रॉपर्टी डीलर हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनका भी नाम जो है जाहिर किया जाएगा, क्योंकि वो लोग दोस्त हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं मेरे ख़िलाफ़ इन सब चीज़ों को रचने के लिए, तो उनका भी नाम जाहिर किया जाएगा। राशिद भाई जो मैटर कैसे हो जो आज मैं बता दे रहा हूँ आपको,
मैंने अभी तक ऐलान नहीं किया, सत्ता ले लूंगा। और उसके हंडिया गांव की औरत ही लगाएगी। अब ठीक है, सब्जी दिन में घर गया उसकी मिनती मार चौका। अरे जाए नहीं, देखे मौलाना वो पेशीवान हर महीने उनको पैसा दे रहा हूँ। जिस दिन आवे तो बता दे रहे घर आया चार घंटा उतार, इसी बीच में घर याद हुई और औरत वहाँ पे झूठा इल्जाम पसंद आएगा। बाप रे बाप, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप बात कैसी कर रहे हैं? कैसे को पैसा झूठा लगाया मेरे ऊपर? नहीं, ये बैठे जोटे इनके पैसे के रूप में छत सात साल से खाली हाथ रखे गए। आज तक किसी को मैंने पुस्तौल दिखाई नहीं, गलत तो चलिए छोड़िए, तो माफ नहीं करेंगे। न लगाओ, मार पीट के लगाओ। 376 उसके बाद औरत जिस दिन जमानत इसकी हो रही होगी वो कचहरी में अपने पास पेट्रोल छिड़क रही होगी। ये तो आप वसल्लम के मतलब बहुत गहर रहे राशिद भाई। चाय चौबीस नंबर को बचने वाले नहीं, पेशीमान को जो है हम आपसे दूर है और हम सब माल खाएगी। हम तो सिर्फ बरसाती के मानने वाले हैं। एक पकड़ा खा कर 20 किलो तवा खाते उन्हीं के जो है दोपहर में माफ करिए। उन्हीं दोपहर में माफ करिए। देखिए माफ करने वाला मारने वाले से बड़ा। माफ कर देंगे तो हम इसका मतलब कि हम नहीं माफ करिए। 354 बैठो यार, तो मुझे बात कर रहा हूँ यार, तो मेरे अंदर फंस न हो जाए। वही बस टेस्ट करते और बताएं। सुन रहे हैं, वही सुन रहे हैं ना। सुनिए जेल में आप मुलाकात करने जाइए और नंबर बारह उधर से 5,000 रुपए फेंक दीजिए, लाठी से पूरी गिरा दीजिए। हर कहीं मौलाना जी नहीं आमदनी नहीं कहते, आमद बोलते हैं। आमद आमद करके आमदनी नहीं कहते, चार आमदनी लिखे ना जी। आमदनी बोलना अब खत्म करिए। देखिए मौलाना वो हाफिज़े कुरान है, हाफिज़े कुरान उनके सीने में कुरान भरा हुआ है। अच्छा वो तो बैठ हो गए मोहल्ले वाले के पीछे। 26 नंबर होता है आशिक़े रसूल होता, 24 नंबर ही नौ है। 24 हम लोग का खाना पीना सब चलता है। 24 किराए को खाते हैं। 25 मैंने 24 26 मौलाना साहब, मौलाना साहब ठीक है। अभी भाई साहब सामने आप कह रही है की 11वीं शहीद की बिरयानी खाई खाना खाएगा तो हक के साथ में अभी तो पिछड़ा भी खाए ना खाए अल्लाह ने बनाया खाने की नहीं। हम ये कह रहे हैं मौलाना साहब तो आपसे बैठ हो गए थे, मोहल्ले वाले पीछे पड़े। वो तो मौलाना साहब नेता बन गए थे ना, तो नेता बनने का जैसा नेता जैसे देखिए जावेद भाई आपके नेता अशीक अहमद बनने की कोशिश करें जेल भेज दिए गए। जो नेता बनेगा 30 साल विधायक थे, 5 साल अलग अलग नेता थे। वतन पे जो फिदा होगा बड़ा ही खुशिया होगा, वतन पे जो फिदा होगा बड़ा ही खुशिया होगा। पड़ेगी दवा से गोली कहीं ओढ़ा पा मौलाना साहब पता था जावेद भाई गए आपको मिले लिया एक हो भागा भागा फिर रहा कहा ना सब साल जाए थे इमामा नहीं है वो मुझे उसे नमाजा नहीं इमामा नहीं है। और 24 नंबर हमारे हम कुफार जैसे कुफार है समझाया है आप उनके ले लीजिए। मतलब सुनिए मैं आज आपको बता रहा हूँ, आज सुन लीजिए। मैं देखिए झूठ नहीं बोलता, यही बात है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा ईमान के मामले में। और मामले झूठ बोलूंगा,
सुन लीजिए, ईमान के मामले में मैं झूठ, मैंने इतना बड़ा पैसा लगा दिया कि गांव में गुल्ली घुस गई है। अब मैं बता रहा हूँ आज कहीं कहिएगा नहीं, लेकिन आपको खुदा की कसम है। अरे कोई कहता भाई ना बताइए, दिवाली के बाहर नहीं बवाल हुआ, दूसरे दिन मुझे मकान मिला फौरन लगा नल्ली साइकिल से मौलाना की फोटो निकाला, जो बवाल आवाज दे रहे थे ना खरीदी तुरंत किस्में से मैंने फोटो नल्ली वाले को भेजा, फ्री निकलवाया ये फोटो लगा हमने कहा ये हवाल में और 500 आदमियों को लेकर के लड़कों को मदरसा के लड़कों को ये कहते इनका नाम ये इनके पता का नाम ये कहिए और योगी को साथ भेज दिया फोटो के साथ बस कहा गया। सुनिए तो वहाँ पर क्या हुआ साहब, तो जो योगी जहाँ से आ गया उनको पकड़ा दिया, इनको गिरफ्तार किया, इनकी जाँच की जाए, वहाँ से आ गया मामला। यहाँ आया तो यहाँ जो है तो एस एस पी ने जिस दिन यहाँ आया वही दिन एस एस पी जो है वो वाला एस एस पी ट्रांसफर हो गया, मेरे को मास्टर देता है अब वो चला गया। सुनिए हाँ वो तो खुशहाल है, वो तो सबक पड़ा, लेकिन डीएम साहब थोड़ा मानते हैं उन्होंने साहब को सुना फोटो पहनाया जाए हार पहनाया चाहे का हार, वो तो उनको भी तो बुलाएंगे ना, किसको जिनको भी तो बजाएंगे था, जावेद को जावेद तो उन को भी तो बुलाएंगे, एस एस पी बजाएंगे था, डीएम बजाएंगे था, घर गिराएंगे नहीं गिराएंगे। अब सुनिए वहां से आई वो ये एस एस पी आ गए, जब इनके सामने लेटर आया तो उन्होंने कहा कि एल आई यू को दे दिया, इसकी जांच की जाए। एल आई यू वाले पहुंचे इसके पास, मोहल्ले में तो आप पूछता अभी लगे दस्तखत कराने, सबसे कहा कि फिर पूरे मोहल्ले दस्तक में घा फटी इसकी दस्तक करिए, वैसे ही भागनी ये नहीं थे, ये नहीं थे। अब तुम जब सब पकड़े जा रहे जंगल में तो तुम कहा तक साबित कर दो क्या मूठ है क्या खरगोश है, जंगल में आग लगी गई है। तो अब इनकी जांच, इनकी पूरी जांच उधेड़ डाली, इनके घर का खान मार्केट के खान चौराहा का हरिया में इनके भाइयों की जांच आखिरकार घाट गिरी इनके भाई, तो चार मुकदमा उसके नाम निकला हरिया में, तो चारों फरार का मौलाना भाई को ले आए यहाँ वाले। उसके बाद मौलाना बचे नहीं, मौलाना जाके दाड़ी ला गए, फिर मौलाना से जो है वो किया गया, शपथ पत्र लिया गया कि यदि भविष्य में किसी प्रकार का मैं इलाहाबाद छोड़ूंगा नहीं और इलाहाबाद छोड़ने से पहले मैं डीएम प्रशासन को हमेशा मैं सूचित करूंगा मैं कहां जा रहा हूं और इनकी एक्टिविटी क्या दी थी आजमगढ़, तो उसके बाद चार बार आजमगढ़ जा चुके हैं, उनके मोबाइल का लोकेशन जहाँ पार कर दिया एल आई वालों ने। उसके बाद एस एस पी ने बुलाया, एस एस पी ने बुला के इनके अंडर टेकिंग लिया, कब लिया कि मैं इलाहाबाद से अब जांच इदारे में तो आ गए तुम, तुमने मैंने किया, मैं कह रहा मैंने किया, मैंने भेजा इनकी पूरी, अब तो इनका नाम दाब जोगा कोई नहीं महिला पहले जाएगी आज मेरे लगा दीजिए बस्ती, हमने अब बस्ती कब विस्फोट करेगी, अभी एक लगाया है अभी दूसरी भेजेंगे, एक तो योगी को अभी भेजेंगे, फिर आरटीआई भेजेंगे, इससे कार्रवाई क्या की आरटीआई भेजेंगे सरकार जाकर पूरा पुलिस आरटीआई भाई आरटीआई से देना, और आरटीआई अगर आपकी ना सुने तो हाईकोर्ट से कह दिया नोटिस दे दिया आरटीआई। अभी देखिए क्या क्या होता है स्टेप बाय स्टेप, मौलाना के पीछे पड़ते हुए घूम मौलाना के जब तक उसको लेने डालूंगा जेल के अंदर एक बार हो गया 12 नंबर गेट क्रॉस कर दिखाना है। अब अल्लाह की मर्जी ना हो बात अलग है, वरना मेरी पूरी कोशिश रहेगी और हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा टारगेट यही हो गया, सारे टारगेट खत्म, सारी दुश्मनी खत्म, एक ही टारगेट है कि मौलाना को 18 नंबर गेट क्रॉस करवाना है, अब कम से कम 4-5 महीना खड़े होकर लैटरिन कराएंगे, नंबरदारों से पानी डलवाएंगे, इनको नंबरदार वहाँ पैसे दिखते हैं, जाइए आप 5,000 रुपये दे दी कहीं बढ़ाने को मारो माता चौक को तो डेढ़ लाख बिना मारे थे नंबरदार भाई थे तो जेरा भी नहीं पूछा कहा मार रहे नंबरदार के बाद तो जेल चल जाएगा पुलिस से काम आ सकते पाई चार तो बाहर बैठे तो उन्हें ड्यूटी पर रखते थे क्या अबे यार जो बात सुन लो जे जाके जगह वो जो ना गया हूँ यहाँ तो जाके हो एक है का अरे आप तुम्हारे आदमी जब बनी थी जेल उसके पहले बन गया था बेड
जेल जाओ, बेल कराओ, चलो अब 302 होकर के ना जाओ, इनको पेड़वाओ, ये पहले जाए बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले बेल बनाया फिर जेल। बिल्कुल, तो ऐसे डॉक्टर हिंदुस्तान योगी मोदी के मतलब अलग अलग अभी रखे ऐसे तो बना लो कि घास काट लेंगे हम, अभी देखते हैं सरोता से कटवाएंगे इनकी। अब क्या बताऊँ यार, सब योगी की सरकार है वरना मैं इनको नंगा करके गाँव में उठा ले जाते हैं, गाँव में नंगा करके इनको जो दूर इससे बटलवार था बांध देता कुर्सी में और इनको नंगा करके और मंझे से अदो तनाटू को बांध के दूर से खुटकी मारता नहीं प्रशासन तो नहीं कि हम खुटकी मारते लोग जब ये न होता। अच्छा योगी ना मैंने कहा ये सरकार खत्म हो गया है, एक भी हाईकोर्ट कहाँ हाईकोर्ट खत्म हो गया, खत्म कर देंगे मैं एक बार मैंने कहा ना, मैंने अभी लाइव इंक्वायरी होगी मेरे वजह से, मैं तो कह रहा हूँ मैंने करवाया खुदा की कसम, मैंने कसम खा कर कसम दिया और नाम नीचे क्या दिया बंदे खुदा नाम में रह संज्ञान में कहा है कोई नहीं संज्ञान में तो लेंगे ही ना, कौन है क्या मैं कौन है क्या, एक बार तो एलआईजी में दर्ज हो गए या एस एस पी का दर्ज हो गई, अब मुख्यमंत्री ने कराया जांच, गोपीता में तो आ गए ना मामला, एक बार आप तो एक बार आप गुंडे के मामले में आ जाओ चार सौ कतर में आपका नाम आए, भले आप फाइनल रिपोर्ट लग जाए आपका नाम निकल जाए, लेकिन जब कभी कुछ होगा तो आपका पकड़ा जाएगा कि मौलाना को पिलवाते नहीं, हर महीने अप्लीकेशन देंगे ना, पढ़े लिखे थे पाला ली ने, वो उर्दू पढ़ी ना या इंग्लिश पढ़ी ना, कौन फॉलोअर है, अरे भाई एक बात बताइए, वो फॉलोअर की बात कर रहा है आपके खिलाफत वाले जाता है फरीदी नाराज देते बताओ जाते हैं तुमसे नाराज जाता है, अरे वही खाने को बैठता हूँ पूरा इलाका मैंने बताया वही चार मैं फरीदी से भैया हूँ मौलाना को नहीं बखूंगा, जब मौलाना जाएंगे तब लोगों को करेली है, सुनिए करेली है, अगर आप किसी आदमी को ले आइए सुनिए बहुत अच्छे लोगों में उनकी गिनती नहीं वहाँ तो अगर क्या शक्ति पाएंगे जिस शक्ति पाएंगे नंबर करते हैं पापा ये बात करें पापा ये करे रहे मस्जिद भी लागू है ओमा इसे हम वो करेगी अनुमति करे बजे आप सभी नंबर के पूछा आपने 24 नंबरों को पूछा होगा, हम आगे के रसूल ने कहा नंबर आप बहावियों ने पूछ रहे होंगे नंबर मिलती आ सके रसूल है और जितने मिलती है सब चीजें आता है सब करना आज ये 24 नंबर के बारे में इनके बारे में भाई करेंगे यही मतलब उधर है, अरे मौलाना मौलाना गोली मारे तो कोई 24 नंबर खुद करेगा हम आप क्यों करेगा, ये तो कहने का एक बात आइए आप एक बात होगी सुनिए, अगर आप जज की कुर्सी में होते देखिए जज ये नहीं देखता कि कहानी क्या है, जज कुछ बात को देखता है, पुलिस नहीं देखती इस बात को, चार्जी लगा दिया जज सुनिए जय देखता क्या है उसका ये बताइए कि आए वो तो आपने बयान में ये कहा ट्रैफिक फरीदी आए और मेरे ऊपर से सौ साल दिया सौ चली मैं बच गया आपके ग्राउंड उसका एक्सेप्ट करें आपने भाई का भैया कहने मजाक नोट किया जाए ट्रैफिक फरीदी आए गोली मारा चली लगी नहीं ये अल्लाह के कर्म से बच गई तो चलिए अल्लाह कर्म से बच गई ये एक्सेप्ट करना कि मैंने ये कहा चलिए बताइए आपने ये कहा कि गोली
लिखित तौर में देने गोली चलाया लगी नहीं, पुलिस कह रही है गोली चली नहीं, गोली लिखित